चर राशि आई है सर, लेकिन ये पृष्ठद्व आई है अच्छा और राहु केतु वहां बैठे हुए हैं। जी, दिमाग जातक का भ्रमित है। हाँ वही तो है ना, वही तो कंफ्यूज है ना जी, क्योंकि हाँ, क्योंकि कई तरह राहु, के काम करके पहले फेल हो चुके हैं, हाँ, ये बार बार कुंडली में काम साफ बदले, दिख रहा है। हाँ कई काम बदले हैं और फेल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी बात। वो फेल तो हुए, वो क्यों है? क्योंकि अब यही चीज मैं आपको पॉजिटिव वे में कहने लगा हूं। हाँ जी अगर ये किसी भी काम में करता रहे कुछ दिन लगातार, हाँ जी तो इसको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, वही तो नहीं ना करता जी। ठीक हाँ है, अब सर नहीं करता वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन हमने तो उसको समझाना है ना। हाँ ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि भाई राहु एक जिद है, जी राहु एक जिद है। अगर वो सफल होने की जिद पकड़ ले तो वो सफल हो हाँ जाएगा। अच्छा दूसरी बात, अब जो लग्नेश है वो सेकंड हाउस में गया है, फैमिली सेकंड में आई। वाले में, और वहां का लॉर्ड वीनस है जी इलेवेंथ और वो सैटर्न के साथ बैठा है, तो में बैठे लाभ स्थान में। अच्छा इसको ये कहता है कि जो इसका फैमिली का काम है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छा क्योंकि दशम भाव का स्वामी भी शनि बढ़ता है। जी तो अपना क्लियर कट इस क्वेश्चन से, आपने क्या कहा वो बाद की बात है, पर मैं अभी अपने से बता रहा हूं कि इसका जो फैमिली का काम है उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा जॉब की तरफ से कुछ नहीं है ना, है ना जी, जॉब का सर आपा बोलना ही नहीं, इसमें बिजनेस है ही नहीं मतलब। है शनि शुक्र सर। बिजनेस तो है ये, फिर यहाँ कई बदले ना इसने काम जी, कोई बात नहीं तो सर, लेकिन एक काम को अभी, वो तो इसको खुद करना पड़ता। तभी तो मैं कहता हूं, जब प्रेडिक्शन देता हूं भैया मैं बता दूंगा, करना तुमने। नहीं। अब ये जैसे ग्राफिक का काम सीख रहा है ना करनाल, कहीं सीख रहा है तो बाद में उसकी जॉब, कहीं सोच रहा भी जॉब करूंगा, पहले थोड़े बहुत पैसे वो देंगे भी इसको, फिर उसके बाद अपना करूंगा। सर देखो, आप बड़े भाई हो, हाँ जी आप अपने को जो कुंडली से दिखा, कुंडली ये कहती है, प्रश्न हाँ जी हाँ कुंडली ये कहती है, इसका जी कंसंट्रेशन इसकी फैमिली के ऊपर है, कुल के ऊपर। अच्छा ठीक है, समझिए आप मेरी बात। और एक नंबर का लगन का स्वामी मंगल है, मंगल स्किल का कारक है, समझ गया वो तो मैं जी। जो इनकी खानदानी स्किल है, जो इसके बापू का काम है मान लो, हाँ जी हाँ जी ठीक उसको इसको बढ़ाने का इस प्रश्न कुंडली के हिसाब से फर्ज है। है, अगर ये ओके नहीं करेगा तो दुखी रहेगा उस काम को। चलो ठीक है, वो तो मैं समझ गया बात आपकी। हाँ, पर जो ये काम सीख रहा है ग्राफिक का, हम उसके बारे क्या बोल रहे हैं इसको? वो सीख ले कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको एनहेंस करेगा, लेकिन उसके साथ कंसंट्रेशन उस काम पे भी करेगा। नहीं सीखना तो तभी है ना जो ये ग्राफिक का करेगा सर ये। ऐसा हाँ है, ग्राफिक्स का, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, जी हाँ अगर मैं ग्राफिक्स इसको सीख रहा हूं, जी ठीक है, मैं इसको अपने काम में यूज कर सकता हूं। उसी लाइन में अगर जाना चाहता है ना आगे, फिर ये है। वो सर उस काम को बढ़ा ले, बिजनेस को, क्या दिक्कत है? लेकिन काम में अगर मान लो इसके पापा का क्या काम, आपने क्या बोला? वो अलग तरह का ना, वेल्डिंग सेट सूट शेट शूट बनाने, वेल्डिंग टाइप है ये हाँ, वो लगना है ना, घरों वरों में बनता है ना वो सेट वेट सब। ये जो शेड नहीं लगाते छते छोटे स्टील की हाँ, फैक्ट्री। मैं समझ गया सर, इसका काम वही जा रहा है। वो ग्राफिक्स में भी, कंप्यूटर में बनती है आजकल, वो सारी ग्राफिक्स उभर के आती है, उसके काम में सपोर्ट ही करेगा जो सीख रहा है। वो तो डिजाइन बनाने का है, खैर छोटे मोटे एडवर्टाइजिंग के डिजाइन है। हाँ वो सर, अगर ये आप ये सोच रहे हो ना कि ये खाली कंप्यूटर्स का करके वो कर ले, जी हाँ वो इसको सफलता लॉन्ग टर्म में नहीं देने वाला अपनी तरफ से। ये ठीक है बात। मेरा तो, क्योंकि देखिए आपने किस दृष्टिकोण से कहा, मैं आपको मना नहीं करूंगा, आप डिबेट करने की हालत में भी नहीं है। अपना नहीं नहीं सिंपल ये है कि भाई जो मुझे मेरे अपनी नॉलेज कह रही है, देखो हमने कहा कि लग्नेश जी और दशमेश का संबंध होना चाहिए। जी अब इसमें डायरेक्ट लग्नेश जो है वो इसके साथ संबंध नहीं बना रहा,
जी नहीं बना रहे अभी। दसवीं के साथ, डायरेक्ट हाँ नहीं बना रहे ना। नहीं बना रहा, नहीं लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में ऐसे बना रहा है कि लग्नेश बैठ गया सेकंड हाउस में, हाँ जी, हाँ जी सेकंड में है और जी। सेकंड हाउस का स्वामी जाके बैठ गया दशमेश के साथ। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि सूर्य दशम भाव में आता है तो मजबूती से उसको जॉब दे सकता है गवर्नमेंट वाली। अच्छा ठीक है, अगर इस कुंडली से मैं कहूं कि सूर्य वहां बैठा हुआ है और बाद में हम अहोरा भी देखेंगे, उसको देखेंगे, लेकिन ये लड़का अभी एज जिस हिसाब से बता रहे हो कि एज इसकी निकल रही है। हाँ, थोड़ा टाइम ही है, मतलब फिर ये ओवरेज हो जाएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं ना, अगर ये होता छोटा तो हम कह देते कि भाई तू सीख रहा है तो इसको भी साथ में कर, क्योंकि इसने तो किया डिप्लोमा सिविल में है ना इसका 89 का है, इतने साल उम्र होगी। सर, सिविल का डिप्लोमा है ना इसका। सिविल का जी, सिविल का। ठीक है, और शनि से मैंने आपको सिविल बताई हुई है। ठीक हाँ जी है, और वो सिविल के काम में अगर ये लगा रहता तो वो भी अच्छा होता कि साथ में नौकरी कर लेता और बापू वाला काम भी अपना दो चार बंदे रख के उनको भी करता रहता। हाँ जी, हाँ शनि मंगल मैकेनिकल काम बताता है, जी, हाँ तो शनि मंगल की डायरेक्ट युति नहीं हो रही, शुक्र के थ्रू हो रही है, यानी घरों के ऊपर जो छत लेंटर के ऊपर जो लोहे का काम है, बेल्डिंग का काम है, कहीं ना कहीं वो शेड डालने का काम है, वो काम है इनका, हाँ जी। तो शनि मंगल का काम इसको करना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉपर्टी शनि डीलिंग का करो चाहे घर शनि का शनि करो। शनि शनि मंगल का ही है, और इसको 34वां साल चल रहा है रनिंग। हाँ, तभी मैं कह रहा हूं ना, इसकी अगर ये होता ना 20-25 का, फिर तो हाँ जी, नौकरी की तरफ है ना फिर फिर हम तो। इसको कह देते नौकरी की तरफ कर ले, 2-3 साल में अगर सेट हो जाता तो ठीक। अब इसकी बीवी क्वेश्चन पूछ रही है, बच्चे भी होंगे। हाँ जी, अब जैसे मैं हूं सर, मान लो थोड़ी देर की बात है, मैंने 45-40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी, हाँ जी, 40 नहीं सॉरी 45 की उम्र, 5 साल हो गए, अच्छा। इस उम्र में क्या करूंगा मैं, छोड़ के घर बैठा हुआ। लेकिन मेहनत तो करनी मुझे ही पड़ेगी ना, दोबारा किसी भी सोर्स से मैं पैसे कमाऊंगा। नहीं, वो जॉब दोबारा नहीं लगती जी। नहीं लगी भी नहीं, मैंने कितनी जगह इंटरव्यू दिया, नहीं, वो जब समय आता तो नहीं निकलती मतलब इतने सालों का एक्सपीरियंस है सर। तो फिर एक कोई टाइम नहीं। ऐसे था कि मेरे पास हाथ में एक की जगह दो जॉब होती थी, मुझे लोग बुलाते थे, ठीक है समझ और रही अब बात। मैं जब इंटरव्यू भी देने गया तो किसी और लोगों से भी रिकमेंडेशन कराई तो वो काम नहीं आई, क्योंकि काम नहीं आई। हाँ, वो समय की भी बात है। ठीक ट्रांसफॉर्मेशन होना ही था लाइफ का, है, समय समय की बात है ना। समय समय की बात नहीं, वो गलती मेरी थी। अगर मैं खुद को पहले बदलाव कर लिया होता, धार्मिक बन गया होता 40-42 साल की उम्र तक, अच्छा, तो जॉब में ही, ये दुख वाला समय देखना नहीं पड़ता। उसी जॉब में अगर परिवर्तन कर लिया होता है ना जी। नहीं, उसी में धार्मिक हो गया था मैं जॉब के साथ साथ, हाँ वही, मतलब थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते और हैं। उस टाइम पे मौका था ना कि मतलब स्पिरिचुअल एक्टिवेट करना था अपनी लाइफ में, अच्छा, वो नहीं कर रहा है। वो नहीं करा, तो फिर उसने अब डबल डैमेज कर दिया, वो भी नहीं किया और नौकरी भी नहीं रही। अच्छा अब क्या है कि मैं अब ये काम कर रहा हूं, मान लो जी, हाँ पकड़ जी, के, मैं हाँ पढ़ा जी, पढ़ाता पहले भी था, पढ़ा अभी भी रहा हूं अच्छा जी इस, वहां तो मेरे को सिर्फ 10 घंटे ही ड्यूटी करनी थी जी और पैसे भी मिलते थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ यहां पे पैसे भी खत्म हो गए और 5 साल पागलों की तरह पढ़ाई करी, तब मैं ये बोलने लायक हुआ हूं। जी, हाँ पर लेकिन अल्टीमेटली कर क्या रहा हूं, टीचिंग, पढ़ाई टीचिंग, वही टीचिंग है, सब्जेक्ट तो उसी को ना करता रहता मैं, बदल गया बस। सब्जेक्ट बदल गया ना, इसलिए कारक तत्व आपका नहीं बदलेगा जिंदगी का। डेस्टिनी में लिखा है पढ़ाना तो पढ़ोगे, लेकिन मेरी में लिखा था स्किल के अलावा धार्मिक ज्ञान भी देना तो देना ही पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसको उसके हिसाब से देखना जी, कौन सा इसका है वो। हाँ, अब वो आप देख लेते हैं अपना उसके हिसाब से देखिए, बिल्कुल हॉरा लॉर्ड देखो क्या आया सर, बुध आया, अच्छा, बुध आ गया, ठीक है, बुध बैठे 9th में। बुध का देखो शनि के साथ कोई भी संबंध नहीं बन रहा, राहु बुध का नहीं है के जी, साथ संबंध बन रहा है सिर्फ। ठीक राहु के साथ है जी। है, राहु हाँ और जी, केतु आपके पूर्वजों मतलब को दिखाते हैं, राहु बढ़ाता है बिजनेस को, मतलब बिजनेस को बढ़ाएगा नहीं सर, वो आपका फैमिली डीएनए दिखाता है, रूट्स, दाद अपने आपके पापा की साइड के, जैसे दादा ठीक आपके क्या काम करते हैं, है, अच्छा फैमिली डीएनए को दिखाता है। ठीक है, बुध अब 9 नंबर की राशि में बैठा है,
हाँ हाँ जी जी का हाँ जी काम हाँ जी राहु एक्सपेंशन, सर्विस अच्छा तो है ही नहीं, शनि का संबंध बन ही नहीं रहा उससे, हाँ समझ गया मैं राहु से हूँ। तो राहु का जो मैंने पहले ही बोला ना, मेरा तो सिंपल एक है सर कि जहां मर्जी लोग आए मुझे 10 चीजें आती, मैं 10 पे ही बात करता हूँ, 11वीं पे जाता ही नहीं। अच्छा तो मेरे और हिसाब से सर अगर इसके आपने आगे जो बैठे हैं सूरज जी दूसरे में इसके साथ सर सेकंड आगे सेकंड में सूरज बैठा है जैसे। बुध के आगे सूर्य बैठा है ना सर, हाँ जी उसका क्या रोल है। सूर्य इसको नेम फेम दे देगा ना उस काम में, बिजनेस में जो अपना खुद का काम है, ट्रेडिंग का काम है, जो भी काम है ऐसा भी हो सकता है भी सरकारी ठेकों में लाभ हो। सर। सर सरकारी ठेके में फिर शनि तो आना चाहिए ना सर, अच्छा अच्छा ठीक है हाँ लेकिन ये है कि शनि यहां पर 10 नंबर, सूर्य है 10 नंबर साइन में बैठा है, जी तो गवर्नमेंट से जुड़ के ये काम कर सकता है, आप इस चीज में ठीक हो। क्योंकि जो फादर का काम है वो शनि का ही है तो है काम जी। हाँ वो शनि का ही काम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पहले स्टार्ट उसको करना पड़ेगा, तब इसका काम इतना बढ़ जाएगा, इसके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही मिलने लग जाएंगे इसको। अच्छा सूर्य खाली सरकार से नहीं जोड़ता ना सर, सूर्य बड़े लोगों से संबंध बनवा देता है ना, जी अच्छा तो इसलिए मैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कारक भी सूर्य है, तो काम इतना बढ़ जाए ये अंदर लेबर इतने लख ले, छोटे राहु से छोटी लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट की लेबर होती है ना, दिहाड़ी पे रखते हैं, हाँ इनकी परमानेंट है लेबर तो परमानेंट है इनकी फादर मतलब जो की। छोटी कभी आज कर रहा 2 महीने बाद कोई छोड़ गया तीसरा आ गया, इस टाइप की जो लेबर है राहु से ऐसी देखते है ऐसी है ऐसी है। ठीक है, वो इसके सारे कंपोनेंट वही आ रहे हैं सर, जैसे कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कान कान ही अच्छा पकड़ा जाएगा। अच्छा तो इसलिए जी मैं कह रहा हूं कि इस लड़के को अभी जिस एज में है ये, पहले इसको हाँ वो जी कोर्स कंप्लीट कर ले।